और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज महर्षि श्री कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज देर रात 3:03 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:58 तक शुक्ल योग रहेगा। आप जानते ही हैं कि जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्र दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है, लिहाजा इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस योग में किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 4:29 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को सातवां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। इस नक्षत्र को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। दरअसल इस नक्षत्र का अर्थ ही है पुनः सौभाग्यशाली होना। इसके अलावा बाणों से भरे हुए एक तरकश को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बाँस से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को जीवन में लाभ सुनिश्चित करने के लिए आज बाँस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज को नमस्कार जरूर करना चाहिए। साथ ही बाँस के पौधे को उसकी पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा शुक्ल योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज बुधवार और पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहते हैं तो आज गणेश जी की पूजा करें और पूजा के समय आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से श्री गणेश भगवान को केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना उचित है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि स्वयं को तिलक लगाते समय मध्यमा उंगली का प्रयोग करें, क्योंकि मनुष्यों के लिए मध्यमा उंगली से या अंगूठे से विजय तिलक किया जाता है, जबकि भगवान के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाने की बात कही गई है। ये तीसरी उंगली। आज के दिन ऐसा करने से निश्चय ही आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर भी खाना बनता है वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, खासकर पेट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचा मुकाम देना चाहते हैं तो आज घर के ईशान कोण की अच्छे से साफ सफाई करके एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर एक कटोरी में चावल लेकर लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांध कर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें और बाकी चीज़ों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप बिजनेस में एक ऊँचा मुकाम हासिल करेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाइए और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले हुए होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ एक मोर का पंख भी लगा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आज एक कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए।
अब आज ऐसा करने से आपको पढ़ाई में या कॉलेज में एडमिशन लेने में आ रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से अधूरी पड़ी अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको दो मिट्टी के दीपक लेने चाहिए और उनमें से एक दीपक में घी डालकर सफ़ेद खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और दूसरे दीपक में तिल का तेल डालकर लाल पड़ी हुई बत्ती लगानी चाहिए। अब घी के दीपक को जलाकर गणेश भगवान की प्रतिमा के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तेल के दीपक को प्रतिमा के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। आज के दिन ये उपाय करने से आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज आप घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दीजिए और 10 मिनट बाद उनसे वो नारियल वापस ले लें। अब उन सारे नारियल को अपने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते हुए जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आपके बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है जिसके कारण बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो आज आप 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लीजिए। अब इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीपादि से पूजा करें और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी का मन भटक गया है जिसके कारण आपके रिश्तों की ऊष्मा कम हो गई है तो इसके लिए आज एक चंदन की गोली लेकर मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए उस चंदन की गोली की विधि विधान से पूजा करें। बाद में उस चंदन की गोली को अपने गले में धारण कर लें और संभव हो तो कुछ मिनट के लिए ही सही अपने जीवन साथी को भी वही चंदन की गोली पहनने के लिए कहें। अगर आप अपने कार्यों में असफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जब तक आपका काम बन न जाए तब तक आपको एक टेंशन से बनी रहती है तो आज आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर होगी, साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विशो चहि। आज आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप के बाद देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।